Praise God for yet another beautiful Wednesday evening God has given us. Yet another day of Bible study God has given us so that we can continue learning from His word. परमेश्वर का वचन से हम लगातार मनन करने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. So today again we'll be continuing from where we have left. And especially I hope that during this lockdown period, most of you or many of you would have got time to study from the word of God, to sit in the presence of the Lord, to pray. बहुत सारे लोगों को आप में से बहुत सारे लोग टाइम निकाल के परमेश्वर के वचन पढ़ने में और परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने में आपने बिताए होंगे especially during this lockdown period. और मेरे लिए बोलना है तो actually normal दिनों से इन दिनों मुझे थोड़ा कम समय मिल रहा है बाइबल पढ़ने के लिए. बट फिर भी जितना टाइम मुझे मिला बाइबल पढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कुछ और स्टडीज में करने के लिए. मैंने आपसे पिछले हफ्ते शेयर किया था वी हैव स्टार्टेड अवर ओल्ड बाइबल स्टडी. तो उसमें से कुछ मैं मनन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइबल के बारे में कम जानकारी है. द मोर आई स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड आई फील आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम एंड आई हैव सो फार आई हैव स्पेंड लेस टाइम. मैं जितना ज्यादा बाइबल पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक मैंने बाइबल में कुछ भी नहीं पढ़ा. बाइबल इज अ मिस्ट्री हिडन. द मोर यू डिग इन टू इट द मोर ट्रेशर्स इट थ्रोस आउट ऑन यू. द मोर यू आर थर्स्टी टूवर्ड्स इट द मोर इट सैटिस्फाइज योर थर्स्ट एंड इट गिव्स यू a very different kind of a feeling. तो आजकल मेरा इच्छा यही है कि मुझे ज्यादा टाइम वचन पढ़ने के लिए मिले ताकि as I'm moving forward I can share a lot of things from you. But I cannot sit down saying मैं पूरा बाइबल पढ़ने के बाद ही मैं बाइबल शेयर करने के लिए जाऊंगा करके. Because never, as I always say, never you can finish reading या finish meditating या finish mastering the treasures of the Bible. Bible is a treasure which is like a spring. Every time you open it, it comes out fresh. So as I am learning, I am there to share with you. As I am relearning, I am there to share with you. मैं पढ़ रहा हूँ, इसको बार-बार पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ को सही कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ. बढ़ते-बढ़ते मैं आपके साथ ये सारे चीज़ों को मैं शेयर करना भी चाहता हूँ. So let's continue this journey of Bible study that we are doing together, not as a teacher and as a student, but as fellow Christians, fellow believers. Let us all join together to learn from the Word of God. That is our important point. Shall we close our eyes before we start our Bible study today? हम हमारी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे. हम इस वचन का मनन के पहले हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. एक और दिन, एक और समय आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके सम्मुख में आए और वचन में से हम कंटिन्यूसली हम सीखें. परमेश्वर, आपके वचन कितना अद्भुत है, आपके वचन कितना जीवित है, आपके वचन कितना सच्चाई है परमेश्वर. लॉर्ड, योर वर्ड इज द ट्रूथ, योर वर्ड इज द लैम्प, एंड योर वर्ड इज सो ब्यूटिफुल एंड इट्स फुल ऑफ मिस्ट्रीज विच इज बींग रिवील्ड वेन वन इज गोइंग टू लुक इन टू इट, डिग इन टू इट एंड स्पेंड टाइम इन टू इट. मास्टर, आपके वचन के साथ हम बैठने से इसमें से बहुत बहुत सारे चीज हमें सीखने के लिए मिलता है और हमारे इस जीवन बहुत कम है इस पूरे बाइबल को हम सीखने के लिए. परमेश्वर, लॉर्ड, आवर एंटायर लाइफ टाइम वुड बी वेरी लेस टू लर्न एंड कंप्लीट लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड. मास्टर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा में जैसे जैसे हम इस वचन में से पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें अपने आप को हमें प्रकट करके दीजिए. परमेश्वर, लॉर्ड, वी वॉन्ट यू टू रिवील योर सेल्फ थ्रू द स्क्रिप्चर्स सो दैट वी कैन सी यू, वी कैन नो यू, वी कैन गेट क्लोजर टू यू विथ ईच एंड एवरी टाइम वी रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. हर एक बार हम पढ़ते वक्त, मनन करते वक्त, सीखते वक्त आपके करीब और आने के लिए, आपसे ज्यादा प्रेम करने के लिए, आपके साथ साथ संग संग चलने के लिए इस यात्रा में हमें मदद करना. परमेश्वर, एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू लर्न from the word, we pray that Lord your presence be with us. Help us to keep our ears open and our eyes open, Master, so that we hear from you, we take it into our hearts and we bless it by the ministry of the word in our life. Master, thank you once again. Master, jitne bhi log is YouTube link ke dwara is Bible study mein shamil hue hain, sab ke
के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सबके साथ रहना, इस समय हमारे लिए एक आशीषित समय रहने के लिए मदद करना. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अवर प्रेयर्स लॉर्ड. ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बी टू योर नेम अलोन. इन जीसस प्रेशियस नेम वी प्रे. आमेन, आमेन, आमेन. आज हम बाइबल स्टडी के पहले एक गीत हम गाएंगे, उस गीत के बाद हम हमारा बाइबल स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने. कोड़े काके क्रूस उठा के ईश्वरे, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अन्न वस्त्र और सभी आशीषे दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. I consider it a privilege whenever we come to the presence of the Lord to open the Word of God and to read and meditate from it. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास अपने अपने भाषा में बाइबल आज तक नहीं है. हमारे हाथ में बाइबल मिला है तो लेट्स यूज इट टू द मैक्सिमम दैट वी कैन. लेट्स नॉट अंडर यूज अवर बाइबल्स. लेट्स नॉट कीप इट असाइड टू बी यूज्ड ओनली ऑन यू नो स्पेशल डेज और स्पेशल मीटिंग्स. दिस इज अ पर्सनल बुक. ये पर्सनल किताब है, मेरे लिए पर्सनल है, तो मैं इसको उस तरह से मैं इस्तेमाल करूं ताकि मेरे जीवन में इसमें से मैं आशीष पा सकूं. आगे हम जाएंगे वी वेर इन लूक चैप्टर 18 और हम वी हैड फिनिश टिल वर्स 17 लास्ट वीक. लूक 18 17 तक हमने फिनिश किया एंड इट वाज अ प्योर कोइंसिडेंस दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लूक 18 टुडे. तो आज हम लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से हम चालू कर रहे हैं. इट्स अ प्योर कोइंसिडेंस, इट्स नथिंग एल्स, बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग एज वी आर नोटिंग दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन अवर बाइबल स्टडी. लेट्स कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम दैट वर्स. सो वर्स 18 ऑफ लूक 18. किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम मनन कर चुके हैं. And this is the book of Luke. Iska matlab Matthew, Mark, Luke. So we had seen it a couple of times and we have meditated on it a couple of times. But still, as I told you, Bible gives more things as we dig more into it. तो इस बार में पढ़ते वक्त मुझे एक अलग 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 चीज मुझे समझ में आया. या आई कुड सी सम मोर ब्यूटीफुल थिंग्स इमर्जिंग आउट ऑफ इट. सो आई वुड बी शेयरिंग दैट विथ यू. सो इसमें पहले एक सरदार आया
and he asked him, what must I do to inherit eternal life? Anant jeevan paane ke liye main kya karna hai? That was his question. He was a rich person. He was an young person. Ye hum dusre kitabon se hum seekhte hain, hume pata hai. A young ruler, young rich ruler came to Jesus to ask for the way to eternal life. But isme ek alag cheez hai. He introduces Jesus as good teacher. वो यीशु मसीह को हिंदी में कहा लिखा है उत्तम गुरु करके पुकारता है और उसके लिए यीशु मसीह वहां पे एक उनसे एक और चीज यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं 19th वर्स हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर। इस वचन को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज समझते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे क्यों उत्तम कहता है, कोई भी उत्तम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। सो मेनी पीपल टेक इट टू से दैट जीसस वॉज नॉट गॉड, जीसस वॉज नॉट इटर्नल, जीसस वॉज नॉट यू नो द मेसिया। इसलिए यीशु मसीह ने खुद बोला मैं अच्छा नहीं हूं, सिर्फ परमेश्वर अच्छा है। वहां पे वो मीनिंग नहीं आता है। क्या मीनिंग आता है, एक बार हम आगे पढ़ने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स लीव दिस वर्स फॉर द टाइम बीइंग विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज, लेट अस लीव इट देयर। उस वचन को वहीं पे छोड़ के हम आगे जाएंगे, फिर हम इस वचन के और हम आएंगे। 20th वर्स पढ़ेंगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आगे उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यस, जीसस सेड यू नो द कमांडमेंट्स एंड ही लिस्टेड आउट सम ऑफ द कमांडमेंट्स एंड ही इमीडिएटली सेड आई हैव obeyed all these things. Yeah, I have held on to all these things right from my youth. जब से मैं जवान हो गया, जब से मुझे अच्छा क्या है बुराई क्या है समझ में आ गया, when I have attained age, when I have started growing up into an adult, right from that moment, I have been keeping all these commandments. ये सारे commandments मैं सही तरीके से मैं इसको पालन करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। यीशु मसीह ने दो चार ही बोला है ना वहां पे, डू नॉट कमिट अडल्ट्री, डू नॉट मर्डर, डू नॉट स्टील, डू नॉट बियर फॉल्स विटनेस, हॉनर योर फादर एंड मदर, पांच इन्होंने बोला। बट और भी आज्ञाएं थे, बट यीशु मसीह यहाँ पे दो चार पांच उनको बोला और उन्होंने बोला मैं तो ये सब करता हूं। जीसस पॉज्ड फॉर अ सेकंड बट एंड देन ही सेड नेक्स्ट वर्स। ये सुन यीशु ने उससे कहा तुझमें अब भी एक बात की घटी है। When Jesus heard this, जब ये सब यीशु मसीह ने सुना, यीशु मसीह सब सुन रहा था और यीशु मसीह ने बोला आप में एक कमी मुझे दिख रहा है, क्या है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यस, आपके पास बहुत सारे धन है, इसको हम आप बेच के कंगालों को पास बांट दो और मेरे पीछे आ जा, क्योंकि आप यहां बांटेंगे आपका धन कहां इकट्ठा हो जाएगा, स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा। यहां इसको बांट दो, स्वर्ग में वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हियर सो दैट इट विल बी डिपॉजिटेड इन हेवन। ना कितना अच्छा यीशु मसीह ने बोला, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ हियर सो दैट इट विल बी डिपॉजिटेड इन हेवन। यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये सुनते ही एक्चुअली इनको क्या होना था मालूम है, यू शुड हैव बीन सो हैप्पी बिकॉज अब उनको समझ में आ गया अनंत जीवन पाने का क्या उनके पास कमी था। He had right now found out what is that is stopping him to receive the eternal life. But उल्टा हुआ, वो हम सब समझते हैं। आगे next verse। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ। बहुत उदास हुआ। Actually क्या होना था? बहुत खुश होना था। क्यों? क्योंकि जो question के साथ वो यीशु मसीह के पास आया, वो question का उत्तर उनको मिल गया, right? He wanted to get inherit eternal life. आनंद जीवन पाना था उनको। तो यीशु मसीह ने उनसे देख के, उनसे बात करके एक फाइनल कंक्लूजन में आ गया और बोला आपके अंदर ये वाला कमी है, इसको कर दो, सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ एंड डिपॉजिट इट इन हेवन। आंसर मिल गया, बहुत खुश होना था, बट वहां पे क्या लिखा है, बहुत उदास, दुखी हो गया, उदास हो गया वो। क्यों? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह बड़ा धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग हियर यू सी अ मैन हु कम्स एंड स्टैंड्स बिफोर जीसस विथ ऑल हिज ओन गुडनेस।
उनके पास बहुत सारे भलाई था, बहुत सारे उत्तम चीजें थे उनके जीवन में, वो सारे लेके वो यीशु मसीह के पास आया और वो पूछ रहा था, उत्तम गुरु मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं, क्योंकि मैं ये सब कर रहा था. यू नो देयर इज एन आयरनी, देयर इज अ डिफरेंस. यू नो आई फाउंड इट दिस टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग, यीशु मसीह जब आज्ञाओं के बारे में बोला, ही मिस्ड सर्टन थिंग इन दैट ऑर्डर. आप एक बार देखो वो वचन, 20th वचन आप देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये आज्ञाओं है, आप इसको पालन करो. जब यीशु मसीह लिस्ट आउट कर रहे थे, यीशु मसीह वहां पे कुछ आज्ञाओं को मिस कर दिया था. कौन सा है, दिख रहा है आपको? वेर डिड ही स्टार्ट फ्रॉम? ही स्टार्टेड फ्रॉम डू नॉट कमिट अडल्ट्री. उसके पहले भी कुछ कमिट कमैंडमेंट्स थे. कौन सा था पहला कमैंडमेंट? क्या है? यू शैल लव योर लॉर्ड गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर माइट. और उसके बाद मेरे यू शुड नॉट मेक एन इमेज ऑफ माई सेल्फ. ये सब यीशु मसीह ने वहां बोला ही नहीं. यीशु मसीह उनको पता, यीशु मसीह को पता है, उनको देखते ही पता है वो सामने वाला व्यक्ति किस एटीट्यूड के साथ उनके सामने खड़ा है. हम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो इसी चैप्टर का पिछले हफ्ते हमने देखा था, वर्सेस 18, चैप्टर 18 का 9th वर्स एक बार पढ़ेंगे हम. उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा. याद है आपको, पिछले हफ्ते हमने मनन किया था, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत किया बोला, कहा था या सिखाया था, जिसमें दो व्यक्ति चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए थे मंदिर में, और उसमें एक व्यक्ति ऐसा था कि अपने धार्मिकता के ऊपर खड़ा होकर बोला, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं और इनके जैसा नहीं हूं. और एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर, he was not even able to lift up his eye towards heaven, and he was hitting on his chest and he was crying out saying, Lord have mercy on me a sinner. और यीशु मसीह ने बोला, पहला व्यक्ति नहीं, दूसरा व्यक्ति ने धर्मी होके वहां से निकला. तो ये हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया और सबको सिखाया कि अपने आप को धर्मी बना के परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे तो वहां से हम अधर्मी बन के बाहर निकलेंगे. We go to the presence of the God justified. We will come out of the presence of the Lord unjustified or rejected. हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को जस्टिफाई करके जाएंगे तो वहां से परमेश्वर के सम्मुख से हम बाहर आते वक्त रिजेक्टेड स्टैम्प या सील लगा हुआ हम बाहर आएंगे. और देखो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. Life can happen to you and me. Maybe we feel there are a lot of coincidences, but it is not so. यहाँ पे देखो, यीशु मसीह ने just ये व्यक्ति आने के पहले यीशु मसीह इन लोगों को इसके बारे में सिखाया. Jesus knows his timings are perfect. जब ये ruler आ रहा है, ये धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ रहा है, जिसको भरोसा है अपने खुद पर, अपने खुद का भलाई पे, अपने खुद का उत्तमता पे, धार्मिकता के ऊपर उनको ही इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ही इज कमिंग. एंड उसके पहले यीशु मसीह ने सिखा दिया, ऐसा नहीं रहना है. यू शुड नॉट कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड डिपेंडिंग ऑन योर गुडनेस. बट यू सी अ मैन हु कम्स टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड डिपेंडिंग ऑन हिज गुडनेस. तो वहां वो आके खड़ा होके बोल रहा है, गुड टीचर, उत्तम गुरु, आप मुझे बताओ. तो यीशु मसीह को समझ में आ गया, ये कैसे आके खड़ा है मेरे सामने, अपने धार्मिकता के ऊपर. ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ गुड एंड अपने स्टैंडर्ड पे वो दूसरों को देख रहा है. समझ में आ रहा है? हम सिंपल चीज है, आप सोच के देखो, हम कुछ कुछ चीज हमें लगेगा बहुत सही है, राइट? हम ऐसा करना सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है. हम हमारे हिसाब से कुछ कुछ चीजों को ऐसा रखते हैं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. एंड हम वेन राइट करते हैं, हम सोचते हैं आई एम गुड. एंड जब वही चीज दूसरे भी करते हैं, हम उनको भी क्या बोलते हैं? गुड पर्सन, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है. क्यों अच्छा व्यक्ति बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ चीजें अच्छा लगता है, तो वो चीज जब दूसरे व्यक्ति करते हैं, हम उनको भी क्या बोलते हैं? अच्छा व्यक्ति. वी से यस, ही इज अ गुड पर्सन, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में कुछ कुछ चीज अच्छा है. वो व्यक्ति भी कर रहा है तो हम उनको भी क्या बोलते हैं? अच्छा व्यक्ति. ही इज ए वेरी गुड पर्सन, दैट्स व्हाट वी से. यहां पे भी यही हुआ है. ही इज अ रूलर, ही इज गुड इन हिज आईज
एंड वो यीशु मसीह को देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है हाँ यीशु मसीह भी अच्छा व्यक्ति है, यीशु मसीह भी कुछ कुछ चीजें सही कर रहा है, कुछ कुछ चीजें सही बोल रहा है, ही इज अ गुड पर्सन. तो ऑन हिज ओन गुडनेस ही इज जजिंग दैट जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो गुड. ही इज गुड, जीसस क्राइस्ट इज गुड. तो वो यीशु मसीह के पास आके बोल रहा है मैं अच्छा व्यक्ति हूं, आप भी अच्छा व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपके पास पूछने के लिए आया कि उत्तम आनंद जीवन कैसे प्राप्त करना है. नॉर्मली हम भी यही करते हैं ना, हम कोई बुरा व्यक्ति के पास जाके हम एडवाइस नहीं लेते हैं. नो, वेरी प्रैक्टिकल. हमें सही लगता है, सामने वाला बंदा हमारे लिए सही लगता है, तो ही हम उनसे जाके कुछ एडवाइस लेंगे. जब हमें लगता है ये व्यक्ति गलत कर रहा है, उनसे जाके हम एडवाइस नहीं लेंगे. यहीं पे भी यही हो रहा है. रिच मैन हु कंसिडर हिमसेल्फ गुड, हु हैज जज्ड दैट जीसस क्राइस्ट इज गुड, ही गोस एंड स्टैंड्स बिफोर जीसस विद ऑल हिज ऑडेसिटी एंड ही सेज, जीसस आई एम अ गुड पर्सन, you are a good person too, so I have come here to ask you one question, how to receive eternal life. tab yeshu masih ne sab sunke yeshu masih ne unko was next verse bola tha, acha kon hai, bhalai kon hai, parmeshwar ke alawa koi bhi nahi hai. if you are going to depend on your goodness and come to me, you will go rejected, my dear friend. isliye yeshu masih ne on the first question, जब वो कमांडमेंट्स लिस्ट कर रहा था, वहां पे फर्स्ट कमांडमेंट से चालू नहीं किया. वी हैव नॉट नोटेड दिस, आई हैव नॉट नोटेड दिस सो फार. इस पर पढ़ते वक्त मुझे ये अच्छा लगा कि जीसस डिडंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कमांडमेंट. ही शुड हैव सेड, आपने कमांडमेंट्स पढ़ा, फर्स्ट कमांडमेंट क्या है, लव योर लॉर्ड विथ ऑल योर माइंड, आपको वो करना चाहिए, आपके आपको आपके सारे चीजों से परमेश्वर को ज्यादा प्यार करना चाहिए. He should have started his lecture like that. But no, Jesus didn't start that. He knew what was in the mind of this young person. इसलिए यीशु मसीह ने बोला ये मत करो. उन्होंने बोला ओह, ये सब मैं करता हूं, आई नो, आई एम गुड इन दैट, आई हैव एक्सेल्ड इन दैट, मैं PhD ले चुका हूं इन सारे चीजों में, मुझे ये सब कुछ आता है, सबसे बढ़िया मैं करता हूं ये सारा. तब यीशु मसीह ने बोला आप में एक कमी है. You have done commandments 5, 6, 7, 8, 9, and 10. But my dear, you forgot the first commandment, that above everything, you have to love your Lord God with your whole heart, whole mind, and your whole might. पर आपको आपके जीवन में धन ऐसा एक विषय है कि परमेश्वर से भी आप उससे ज्यादा प्रेम रखते हो. And you know, when he actually got the answer for his question, he was not happy, but he was dejected. एक व्यक्ति हमने देखा परमेश्वर के सम्मुख में justify करके आया, परमेश्वर ने उनको reject कर दिया. यहां पे एक और व्यक्ति अपने आप को justify करके आया, अपने आप reject होके चला गया वहां से, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर प्रिय नहीं था, उनके लिए धन प्रिय था. So there is a very strange thing happening. A person coming to Jesus Christ with a question, getting his answer and going dejected. मैं सोच रहा था हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं. अगर हमारे हर एक सवाल का परमेश्वर सीधे सीधे आंसर हमारे मुंह पे दे, क्या होगा मालूम है? हम भी दुखी होके चले जाएंगे. Because facing the truth of Jesus is the toughest thing in the entire world, because Jesus doesn't have to please us. Yeshu Masih ko makkan lagane ka jarurat nahi hai. He is straight to the point when you talk to him. And when he says, this is missing, are we ready to accept it? Yeah, are we in a kind of state where we get dejected our own and then move out from there? Anand jeevan paane ke liye aaya tha, बट वहां से दुखी होके वो चला गया. हमारे जीवन में हम सब आत्मिक वरदानों से हमारे जीवन को भरना चाहते हैं, आत्मिक फलों से हमारे जीवन को भरना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं. और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हम पूछते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आपका इच्छा क्या है. अब सवाल आ रहा है, अगर परमेश्वर हमें साफ साफ बताएं कि मेरे जीवन में या आपके जीवन में मेरा इच्छा यह है, क्या हम खुश होंगे सुन के या क्या हम डिजेक्ट होके चले जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाएंगे, यस
आपने बहुत कुछ सही किया, ये यंग व्यक्ति ने बहुत कुछ सही किया, बहुत कुछ आज्ञा उन्होंने माना है, बट परमेश्वर देखता है कि हमने किस चीज को मिस किया है. एंड देयर ही वुड पॉइंट आउट एंड से दिस वन थिंग इज मिसिंग. बट कितना दुख के बात है कि इतना सारे चीज करने के बाद वो एक चीज वो सही नहीं कर पाया, दुखी होके वो यीशु मसीह के समूह से वो चला गया. हमारे जीवन में वो एक चीज क्या है जो हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच खड़ा है? हम बहुत सारे चीज सही कर रहे होंगे, बट उसको लेके जब हम यीशु मसीह के सम्मुख में आएंगे, when we stand in the presence of the Lord with our own goodness, oh, that's a sad state, because we will be dejected, or we will be rejected. Either God will reject us if we stand in our spiritual pride. Otherwise, when He points out, we will be dejected. पहला एग्जाम्पल में परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने खुद अपने आत्मिक अहंकार में कुछ कुछ बोल के चला गया. God rejected him. यहां पे बात हुआ और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको बोला एंड वो स्वीकार नहीं कर पाया, अपने आप रिजेक्ट होके परमेश्वर के सम्मुख से चला गया. Where are we standing? अगर आत्मिक अहंकार हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देंगे. जब परमेश्वर हमें सिखाएंगे वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप हम हमारे आत्मिक जीवन में डिजेक्ट हो जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे यीशु मसीह से. इस आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे हट जाएंगे धीरे धीरे. वी विल बी बैक स्लाइडिंग इन अवर लाइव्स. वी नीड टू बी केयरफुल. सो व्हेन वी कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, लेट इट नॉट बी अवर गुडनेस, हमारे भलाई, हमारे धार्मिकता, ये सब लेके परमेश्वर के सम्मुख में हम आएंगे तो वो काम का नहीं है. Here he pointed out certain things, he said yes, but later when he pointed out the main thing, he was not able to accept it. So Ishu Masih ke sammukh mein aake sawal poochne ke pehle aap pehle tayar ho jao us answer ko face karne ke liye, because my Jesus is straight to the point when you ask him, because he doesn't need any ways to please you, he is straight to the point when you ask him. Are you ready to face it? Are you ready to accept it? हमारे जीवन में ये एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं जा पाएंगे. तो यहां पे ये व्यक्ति ने डिजेक्ट होके, मतलब दुखी होके, हिंदी में क्या वर्ड लिखा है, उदास होके, यीशु मसीह के पास आके आंसर पाने के बाद, मतलब प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर मिल गया, आपको प्रेस लॉर्ड बोल के खुश होना है, बट आप उदास होके जा रहे हो यीशु मसीह को छोड़ के. वेरी सैड स्टेट. आई प्रे दैट दिस पर्टिकुलर थिंग नेवर हैपेंस टू एनी वन ऑफ द बिलीवर इन द होल वर्ल्ड. व्हेन ही पॉइंट्स, लेट अस एक्सेप्ट, लेट अस कम बैक, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट सो दैट वी कैन डिपॉजिट इन हेवन. जो परमेश्वर हमें सिखाता है, आपके जीवन में ये कमी है, उस कमी को सही करने के लिए हम कोशिश करें ताकि अनंत काल के जीवन को हम पाएं. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस अर्थली थिंग्स. लव योर लॉर्ड विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, ऑल दैट यू आर, विद दैट यू आर सपोज्ड टू लव योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड यू एंड हु हैज गिवन दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ. आगे हम पढ़ेंगे 24th वर्स से हम पढ़ेंगे. यीशु ने उसे देखकर कहा, यीशु मसीह ने ये देखा कि ये व्यक्ति यहां से उदास होके जा रहा है. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जीसस सीइंग दैट ही हैड बिकम सैड, वो उदास हो गया, वो यीशु मसीह को दिख गया, तो यीशु मसीह वहां क्या कह रहे हैं सबसे, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है. कितना कठिन है, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द रिच टू एंटर द हेवन. आगे, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. देखो, अ नीडल इज वेरी थिन, हमें पता है द आई ऑफ द नीडल इज वेरी स्मॉल. हम भी हमेशा उसमें से धागा घुसाने में बहुत हमें परेशानी होता है. यीशु मसीह बोल रहे हैं उसके अंदर से एक ऊंट भी निकल जाएगा, मगर एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करना बहुत बहुत कठिन है. For a rich person, it is very hard to enter into heaven. Even a camel can go through a needle's eye, but for a rich person, it is very hard.
बिकॉज देयर हार्ट एंड माइंड इज फिक्स्ड ऑन द रिचेस. तो यीशु मसीह ने वो देख के ऐसा एक स्टेटमेंट वहां पे बोला, सब बहुत चौकित हो गया. एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन जीसस मेड सच अ स्टेटमेंट. आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो, फिर किसका उद्धार हो सकता है? ऐसा है तो धनवान व्यक्ति कोई भी आ नहीं सकता है क्या? किसका उद्धार होगा? आगे उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है. जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है. परमेश्वर के, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कर सकता है? एक ऊंट को भी एक नीडल का आई में से वो निकाल सकता है. वो धनवान को, वो सोच के देखो, अगर एक ऊंट को आप ऐसे पिक्चराइज करके देखो, अगर एक ऊंट को उस सुई का धागा का वो आई से आपको निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऊंट को छोटा 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 करके, कितना छोटा करना पड़ेगा आपको? एक धागा के समान छोटा करना पड़ेगा ताकि वो उस नीडल का आई में से निकल जाए. वो अपने आप करना बहुत मुश्किल है. When you are so big, to make yourself so small and humble before God, it's very hard. But who can do that? परमेश्वर कर सकता है. ऐसा नहीं है कि हमें वो स्क्वीज करके उसमें से निकालेगा, बट हमारा अहम, हमारा घमंड, हमारा भरोसा, हमारा बड़ापन, ये सब हमारे ऊंट के जैसे बना के रखा है. एंड उसको छोटा करने के लिए हम कोशिश करें, हमसे नहीं होगा, वो और बढ़ता जाएगा. बट गॉड सेज आई कैन मेक इट. इवन दो यू आर वेरी बिग एज कैमल, आई कैन स्क्वीज यू इनटू अ थ्रेड सो दैट आई कैन टेक यू थ्रू द नैरो गेट्स विच लीड्स टू हेवन. यीशु मसीह ने यही सिखाया था ना, स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य के जाने का रास्ता कैसा है? सकड़ा है. द डोर इज नैरो, द वे इज नैरो. ऐसे ही है. कैसे? जस्ट लाइक ए नीडल्स आई. इतना छोटा है, इतना सकड़ा है, इतना मतलब नैरो है. एंड व्हेन यू ट्राई टू गो इनटू इट विथ योर कैमल ग्रेटनेस, ऊंट के जैसे आपका बड़ापन को लेके उसके अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे. इट इज इम्पॉसिबल विथ मैन. पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे और उस पापी मनुष्य के जैसे हम जब परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मेरे आंखों को भी ऊपर उठाने का, स्वर्ग के तरफ उठाने का हिम्मत मैं नहीं करता हूं, इस पापी के ऊपर अनुग्रह रखना. When we come with all humbleness before God, keeping all our greatness, all our goodness aside, He makes us fit enough to pass through the eye of the needle. यीशु मसीह या परमेश्वर खुद हमें इतना छोटा बनाएगा, इतना फिट बनाएगा कि हम उस सुई के धागा के वो आई के अंदर से हम निकल जाएंगे, उस सकड़ा रास्ता में जाने का हम फिट हो जाएंगे. वी विल बी फिट इनफ टू गेट इनटू, गेट थ्रू द नैरो गेट एंड गेट वॉकिंग ऑन द नैरो स्ट्रीट्स विच लीड यू टू द किंगडम ऑफ गॉड. ये मनुष्य से होने वाला बात नहीं है. It is not possible with man. It is possible with God. It is possible with Jesus. My dear friends, in our Christian life, if you are serious of reaching the kingdom of God, we need to find the narrow gate, the narrow door. We need to find the needle's eye. We need to go through it. वो हमारी बस की बात नहीं है. हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार को, हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, वही हमें उस परमेश्वर का उस दिन तक उनके सामने हमें निष्कलंक खड़ा करने का विश्वास योग्य है. जीसस क्राइस्ट हु इज द ऑथर ऑफ अवर फेथ, हु इज अवर सैल्वेशन, ही इज फेथफुल इनफ टू मेक अ स्टैंड बिफोर गॉड ब्लेमलेस. उनके अलावा किसी से भी नहीं होगा. मेरी बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमें ये चीज कर सकता है. ही इज द वे टू गॉड. यीशु मसीह ने बोला, मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर पिता के पास आ नहीं सकता. नो वन कैन कम टू द फादर अनलेस थ्रू मी. दैट इज द बोल्ड स्टेटमेंट एंड दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट दैट जीसस क्राइस्ट डिड. एक और चीज यीशु मसीह ने बोला, आई एम द गेट.
I am the word. I am the light. You need to reach to Father. You need to enter the kingdom of God. You need to find the narrow way. You need to enter into the narrow way. You should find the narrow gate that is as narrow as the eye of the needle. परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, उसका रास्ता ढूंढना है. रास्ता कैसा है? सकड़ा है. उस सकड़ा रास्ता के अंदर आपको प्रवेश करना है, वो द्वार को, द्वार तक पहुंचना है, वो भी बहुत सकड़ा है. कितना सकड़ा है? As narrow as an eye of a needle. That will squeeze out all your goodness. That will squeeze out all our reliance on our own self. And take us through it. वो सकड़ा द्वार के अंदर से जाने से क्या होगा मालूम है? हमारा अहम, हमारा घमंड, हमारा, हम जो भी सोच रहे हैं मैं हूं, वो सारे मैं हम में से हट जाएगा. यीशु मसीह परमेश्वर वो स्क्वीज करके हमें निकालेगा. He will remove all those extra things that we think that we are good. हमारा बड़ापन, हमारा बलाई, जो हमारा धार्मिकता जो हम सोच रहे हैं, वो सबको यीशु मसीह हमसे निकाल के हमें वो धागा का जैसा बना देगा, ताकि हम उस सुई का, वो आई, द आई ऑफ द नीडल से हम आ जाएंगे, उस द्वार के अंदर हम घुस जाएंगे, उस नैरो सकड़ा रास्ता में हम चलने लायक बन जाएंगे, और हम अंत में वो स्वर्ग के, वो परमेश्वर के राज्य में हम भागीदार हो जाएंगे. दिस इज द वे टू हेवन. आर यू सीरियस अबाउट इट? इफ यू आर सीरियस, यू नीड टू कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, नॉट विथ योर गुडनेस, but depending on his faithfulness. हमारे धार्मिकता के ऊपर हम निर्बल करके नहीं, या उसके ऊपर डिपेंड करके नहीं, हम परमेश्वर का विश्वास योग्यता के ऊपर डिपेंड करके हम आएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश हो सकते हैं. आगे देखेंगे हम कुछ और वचन को, देखें हम इसको, हम खत्म करेंगे आज का, हम बाइबल स्टडी खत्म करेंगे, आगे जाएंगे. 28th verse. पत्रस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए. उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन. तो यहाँ पे ये सब सुनते सुनते पत्रस यीशु मसीह से पूछ रहा है, यीशु मसीह हमने तो सब कुछ छोड़ दिया. पत्रस के पास अच्छा बिजनेस था, ही वॉज अ फिशरमैन, बोट था खुद का, ही वॉज अ फिशरमैन, ही वॉज अर्निंग गुड, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही केम. सो ही आस्क्ड, हमने सब कुछ छोड़ के आए हैं तो हमें क्या मिलेगा? आपने बोला धनवान जाना मुश्किल है, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं. वी वेर अ कैमल, वी यूज टू बी अ कैमल, बट नाउ वी आर अ थ्रेड. हम सब कुछ छोड़ दिया, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम आए आपके पीछे. तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जो भी मेरे लिए कुछ भी छोड़े उनको अनंत काल का जीवन भी मिलेगा, और उसके साथ बहुत सारे चीज उनको मिलेगा. हु विल नॉट रिसीव मेनी टाइम्स मोर इन दिस टाइम एंड इन द एज टू कम. आने वाले समय में उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन. हमने देखा था एक व्यक्ति आके उनसे पूछा, अनंत जीवन कैसे पाना है? यहां यीशु मसीह ने बोला, जो भी मेरे लिए कुछ भी छोड़ेगा उनको आने वाले समय में क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा. वी हैव टू लीव लॉट ऑफ थिंग्स टू रिसीव दैट इटर्नल लाइफ. आगे जाएंगे हम 31st verse. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इज हैपनिंग. आज वो हम सब हम कवर नहीं कर सकते बिकॉज दैट गोज इवन इन टू द 19th chapter. क्योंकि ये छह लोगों के मन में है ना, यीशु मसीह के प्रति एक अलग विचार था. ना सिर्फ चेलों के मन में, सारे यहूदी लोगों के ऊपर एक अलग विचार था यीशु मसीह को लेके. दे वेर एक्सपेक्टिंग ए मेसिया हु वुड कम एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम. नाउ अभी आके एक बहुत बड़ा साम्राज्य वहां बनाने वाला मेसिया को वो वेट कर रहे थे, मेसिया के लिए इंतजार कर रहे थे. चेलो भी ऐसे ही इंतजार कर रहे थे. चेलों को लग रहा था यीशु मसीह साम्राज्य को पकड़ लेगा, यीशु मसीह ये साम्राज्य यहां स्थापित करेंगे और हम उसमें प्रभु बन के बैठेंगे. एंड दैट दे वर सीरियस अबाउट दैट, दे डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स. हम एक बार पढ़ेंगे. नाउ अवर फोकस इज शिफ्टिंग टू अनदर सेट ऑफ इवेंट्स. उसका इंट्रो आज देखेंगे, अगले हफ्ते से उसका इंट्रो हम कंटिन्यू करेंगे. आई विल रिवाइज नेक्स्ट वीक, बट स्टिल लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो हियर, बिकॉज बार बार कुछ चीजों को सीखना हमारे लिए बहुत मदद करेगा. तो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वी आर लर्निंग. सो इट स्टार्ट फ्रॉम 31st verse.
पढ़ेंगे हम 31st वर्स ऑफ लूक 18। फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, सिर्फ उन्होंने अपने चेलों को अलग कर दिया। अभी तक लोगों से बात कर रहा था, अभी ये 12 चेलों को अलग करके लेके जा रहे हैं। इसका मतलब आपको समझना है कि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यीशु मसीह उनसे कहने वाले हैं, क्योंकि अब तक लोगों से बात कर रहा था, वहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट अभी बहुत और गंभीर चीज यीशु मसीह गंभीर चीजों को सिखाने के लिए चेलों को अलग लेके गया और उनको कहने लग गया। क्या कह रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, हम यरूशलेम जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। यस, अगर यीशु मसीह ने यहाँ कदम किया होता अच्छा होता। यीशु मसीह ने बोला हम यरूशलेम के ओर जा रहे हैं। यरूशलेम वॉज द पावर सेंटर, यरूशलेम वॉज द कैपिटल, इट इज द बिग सिटी। तो यरूशलेम के ओर जा रहे हैं हम, मतलब इंडिया के लिए देखो दिल्ली के ओर हम जा रहे हैं, मतलब क्या है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, मतलब दैट्स अ कैपिटल सिटी वेयर द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज देयर, आई एम गोइंग टूवर्ड्स देयर, मतलब कुछ तो है। तो एंड ही सेड एवरीथिंग दैट इज रिटन अबाउट मेसिया इज गोना टू हैपन, मेसिया के बारे में जो भी कह अभी तक लिखा है वो सब पूरा होने वाला है। ये चेलों के मन तो खुश हो गया, वो सजन यस हम इसके लिए इंतजार करते, सब कुछ छोड़ के हमने यीशु मसीह के पीछे आया किसके लिए, ये स्वर्ग राज्य को देखने के लिए। ये राज्य अभी यहां पे स्थापित होने वाला है और यीशु मसीह कहां जा रहे हैं, अभी यरूशलेम के ओर जा रहे हैं। तो अब क्या होने वाले हैं, यीशु मसीह राजा बन जाएंगे और हम सब क्या बनेंगे, प्रभु बन जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अब क्या बोला, जो भी मेरे बारे में लिखा है सब कुछ पूरा होने वाला है। और ये लोग क्या सीख रखे हैं मसीहा के बारे में, मसीहा राज करेगा, मसीहा विल रूल, that is what they have learned and they were waiting for that, bahut khush ho gaya, but yeshu masih aur kuch sikhana cha raha tha wahan pe, aage padhenge hum, kyunki wo anya jatiyon ke haath mein saunpa jayega aur ve use thatton mein udayenge aur uska apman karenge aur us par thookenge aur use kode marenge aur ghat karenge aur wo teesre din jee uthega, par unhone in baaton mein se koi baat na samji aur ye baat unse chipi rahi aur jo kaha gaya tha wo unki samajh mein na aaya। aapko samajh mein aaya, चेलों को समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया कि चेलों को समझ में नहीं आया, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूं ना। सी जीसस क्राइस्ट वाज टेलिंग देम दैट वहां जा रहे हैं, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे और तीसरे दिन में जी उठने वाला हूं। और लास्ट में लिखा है चेलों को ये कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके दिमाग में क्या फिट हो चुका है, मैसे आए हैं और यरूशलेम की ओर जा रहे हैं तो हमें अभी साम्राज्य मिलने वाला है। They were like so filled and excited with that. When Jesus was saying about his suffering, it did not go into their mind. English में लिखा है, this saying was hidden from them and they did not grasp what he said. उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो पकड़ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे। यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं और चेलों के मन में कुछ और चल रहा। So I stop here. This is the intro for the next series of study that we are going to learn. Jesus is talking something else. Disciples are expecting something else. ये intro आपके मन में रखना। अगले हफ्ते हम ऐसे हम continue करेंगे, आगे सीखेंगे कब ये चेलों को समझ में आएगा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। So ये सब हम आगे के time पे हम सीखेंगे। So today we learned beautiful things from the Word of God. As I'm telling, you know, my aim is not to finish chapters after chapters every day. हम बस वचन हमसे क्या बात करने के लिए बात करना चाहते हैं वो हम सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो सीखा उसका प्रति हम हमारे मन को तैयार करें। Shall we close our eyes? I request all of you who are listening to this to please close your eyes. जो भी जहीं पे भी wherever you are and you are sitting and listening to it, please close your eyes for a second and think about your life. How do you see yourself? आपको कैसे देखते हो? अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छाई है, भलाई है, उत्तम चीजें हैं और उसको हम गिनने के लिए यीशु मसीह के सामने आके खड़ा होने के लिए हिम्मत करें, आई एम सॉरी टू से either he will reject you or else he tells you something and you will get dejected. इनमें से एक चीज होगा, या प्रभु यीशु मसीह आपको रिजेक्ट कर देगा या आप प्रभु आपसे सच बताएगा और आप खुद उदास होके निकल जाएंगे। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, स्वर्ग राज्य
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जाना उसमें रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें हमारा बहुत सारे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उस सकड़ा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा, उस सकड़ा द्वार के अंदर से हम जाना पड़ेगा, और वो हमारे बस की बात नहीं है. सैल्वेशन इज नॉट बाय योर वर्क, माइंड यू. उद्धार पाना, हमारा उद्धार को सिद्ध करना यीशु मसीह का काम है. ही इज द वन हु फुलफिल्स अवर सैल्वेशन, ही इज द वन हु फुलफिल्स अवर फेथ, माय डियर. लेट्स आस्क हिम, लेट्स कम टू हिज प्रेजेंस विद ऑल हम्बलनेस एंड टेल हिम, लॉर्ड मेरे से नहीं हो रहा, मैं अभी भी कुछ कुछ चीजों को पकड़ के खड़ा हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, बट आपके सम्मुख में मेरा कुछ भी गुडनेस लेके नहीं आ सकता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत गंदे मेल की तरह है परमेश्वर. सर ऑल फिल दी रैक्स बिफोर यू, माई राइचियसनेस, आई कैन नॉट स्टैंड विथ माई राइचियसनेस बिफोर यू. लेट मी क्लेम द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एज आई स्टैंड बिफोर यू फादर. हे पिता, मुझे अनुग्रह दे कि जब भी मैं आपके सम्मुख में आऊं, मैं यीशु मसीह का धार्मिकता को लेख देते हुए आपके सम्मुख में आऊं, यीशु मसीह का लहू से मैं आपके सम्मुख में आऊं परमेश्वर. मेरा खुद का भलाई के ऊपर नहीं, बल्कि मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर अपने आखिरी बूंद लहू को भी जो बहाया हुआ यीशु मसीह का बलिदान को लेखते हुए, यीशु मसीह का उस लहू को लेके हुए मैं आपके सम्मुख में आके खड़ा हो सकूं परमेश्वर. क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल विथ मैन एंड इट इज पॉसिबल विथ गॉड. मेरे जीवन में मुझे अनंत जीवन पाना है, मुझे स्वर्ग राज्य में आना है, और उसके लिए मेरे जीवन में जो भी चीजें कम करना है वो कम करने के लिए अनुग्रह देना. लेट्स बी सीरियस एज वी आर प्रेइंग दिस प्रेयर बिफोर लॉर्ड. हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, एक बार फिर हमारे जीवन को अर्पण करें. परमेश्वर हम सबको आशीष दें. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, एक और वक्त आपने हमें दिया कि हम वचन के सामने बैठें. हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपके वचन जीवित है, आपके वचन सच्चाई है, और उसमें जो भी लिखा है हमारे भलाई के लिए लिखा है, हमारा आनंद काल के लिए लिखा है, हमारा आत्मिक जीवन के लिए लिखा है, और हर हफ्ते इसमें से मनन करने का सौभाग्य आपने हमारे जीवन में दिया है. हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. इस सौभाग्य को स्वीकार करने के लिए हमारे जीवन में कोई भी योग्यता नहीं है परमेश्वर. इट वॉज प्योर ग्रेस, इट इज प्योर ग्रेस दैट वी आर रिसीविंग दिस काइंड ऑफ स्टडीज. वी आर एबल टू सिट बिफोर योर वर्ड वीक आफ्टर वीक. मास्टर, आज हमारे सामने आए हुए वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हमारे खुद के ऊपर हमने जो विश्वास रखा, हमारे खुद का भलाई के ऊपर, खुद का उत्तमता के ऊपर या खुद का धार्मिकता के ऊपर हमने हमारा डिपेंडेंस छोड़ना है. एंड वी नीड टू कम टू योर प्रेजेंस विथ ऑल हम्बलनेस. वी नीड टू लीव लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वी आर ऑन a narrow track, a narrow door. हमें अनुग्रह दे कि हमारे जीवन में हमेशा आपके सम्मुख में नम्र और दीन हो के जीने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर. Help us to live our life with all humbleness before you, Master, and get through the narrow door, get through the needle's eye, so that we find the narrow path which takes us to eternal life. हमें अनुग्रह दे परमेश्वर. आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. जितने भी लोग इस YouTube लिंक के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. सबको अनुग्रह दे कि इस वचन को ग्रहण करते हुए अपने अपने दिलों में, अपने अपने मन में, अपने अपने जीवनों में इसको लागू करें, ताकि वचन अपने जीवन में फल लेके आ पाए परमेश्वर. योर वर्ड व्हेन इट इज सेंट, इट विल नॉट कम बैक विदाउट अकम्प्लिशिंग इट्स पर्पस. आपके वचन जब किसी के जीवन में जाता है, जिस काम के लिए आप इसको भेजा है, वो उस काम को पूरा करके ही वापस आता है. ऐसा वचन में लिखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. हमारे जीवन में भी
आपके वचन काम करने दो। आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ सीखने के लिए और आपके वचन से आशीषित पाने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। एक बार फिर हम इस विश्व में जो भी घटना चल रहा है इस कोरोना वायरस के कारण यहाँ का सिचुएशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड वी प्रे फॉर योर डिवाइन इंटरवेंशन इन द एंटायर अफेयर्स ऑफ अवर वर्ल्ड मास्टर, बिकॉज एवरी वन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड वी नो दैट यू एंड यू अलोन हैव द आंसर फॉर दिस मास्टर। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसके लिए एक उत्तर है, आपके पास इसके लिए एक इलाज है परमेश्वर। और हम आपके सम्मुख में प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड इंटरवीन इन दिस वर्ल्ड and show them your answer so that people will understand that there is a God who is seated on heaven who is seriously interested in the affairs of this world and the people who are living in this world. ये पूरा विश्व पूरा दुनिया जानने दे कोई एक परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है जो इस पृथ्वी के ऊपर और इस पृथ्वी में जीने वाले एक एक मनुष्य के ऊपर अपना आंख डाल के देख रहा है। हेल्प अस टू कम मोर क्लोज टू यू मास्टर। Thank you for this time. Thank you for listening to us. Thank you for speaking unto our hearts. आने वाले समय में हम ऐसे ही संगति में बना रहने के लिए हम सबको आप मदद करना। All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. God has helped us this day. आज भी परमेश्वर ने हमें मदद किया। जब तक हम दोबारा नहीं मिले तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ रहे। God bless you.